सबसे पहले आप सभी को न्यूज वर्ल्ड इंडिया की तरफ से नव वर्ष की ढेर शुभकामनाएं। साल 2021 की धूमधाम से विदाई कर पूरी दुनिया ने बाहें फैलाकर 2022 का शानदार स्वागत किया। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई समेत पूरे देश में लोगों ने जगह जगह अपने तरीकों से नए साल का स्वागत किया। कुछ लोग घरों से बाहर निकलकर नए साल के जश्न में शामिल हुए तो कुछ लोगों ने कोरोना और ओमिक्रॉन की वजह से घरों में ही नया साल का स्वागत किया। आम जनता के साथ साथ सीमा पर देश की सुरक्षा में तैनात बीएसएफ के जवानों ने भी अपने अंदाज में नए साल का स्वागत किया है। अगर दिल्ली की हम बात करें तो नए साल का इंतजार कर रहे लोगों को मायूसी हाथ लगी। दरअसल कोरोना वायरस के चलते येलो अलर्ट लागू है। पुलिस ने बताया कि अकेले नई दिल्ली जिले में ही 800 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। इनमें से ज्यादातर कनाटेज, चाणक्यपुरी और जनपद में थे। रात 8 बजे तक बाजार और 10 बजे तक रेस्टोरेंट बंद करा दिए गए। डीसीपी दीपक यादव ने कहा कि कोई भी शराब पीकर गाड़ी ना चलाए, इसके भी इंतजाम किए गए थे। शाम 7 बजे के बाद कनाटेज में किसी भी गाड़ी को एंट्री नहीं दी गई थी। इसके अलावा सभी पॉपुलर होटल रेस्टोरेंट के बाहर भी पुलिस तैनात रही। अगर उत्तराखंड की हम बात करें तो नए साल से पहले नैनीताल में पर्यटकों की काफी भीड़ उमड़ी। इस दौरान कई लोग बिना मास्क लगाए हुए भी दिखाई दिए। ज्यादातर पर्यटक कोविड-19 के प्रोटोकॉल्स का पालन नहीं करते हुए दिखाई दे रहे थे। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो यूपी में नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है। ऐसे में किसी भी व्यक्ति को 11 बजे के बाद पार्टी करना या घर के बाहर आना अलाउड नहीं था। इन नियमों का पालन कराने के लिए प्रदेश की राजधानी लखनऊ में डीसीपी सेंट्रल सहित तमाम पुलिस कर्मियों ने सड़क पर चलकर लाउडस्पीकर से लोगों को 11 बजे तक घर लौट जाने की अपील की है। इस दौरान यह भी कहा गया कि कोर्ट के नियमों का पालन करें, अन्यथा 11 बजे के बाद कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो राजधानी भोपाल में 2021 को विदाई देने के लिए काफी संख्या में लोग लेक व्यू पर जुटे। साल के आखिरी दिन शाम को यहां जुटे लोगों ने काफी मस्ती की। घूमने आए एक व्यक्ति ने बताया कि 2021 का भी भयावह था, क्योंकि देश में कोरोना की दूसरी लहर से लोग बहुत परेशान थे। मुझे उम्मीद है कि 2022 देश के लिए अच्छा साल साबित होगा। वहीं भोपाल में साल की आखिरी संध्या पर लोगों ने लेक व्यू पर जाकर मजे किए। घूमने आए एक व्यक्ति ने, जैसा कि मैंने अभी बताया, कि उसने कहा कि कोरोना की वजह से 2021 बहुत खराब रहा, लेकिन 2022 से उम्मीदें वहां के लोगों को बहुत ज्यादा है। महाराष्ट्र की अगर आप बात करें तो ओमिक्रॉन का सबसे ज्यादा प्रकोप महाराष्ट्र में ही देखने के लिए मिल रहा है। इसके चलते वहां पर धारा 144 भी लागू की गई है, जिसके बाद अब शादियों में 50 से ज्यादा लोगों की अनुमति नहीं है। वहीं अंतिम संस्कार के दौरान केवल 20 लोगों को अनुमति दी जाती है। इसके अलावा पुलिस ने रेस्तरां, होटल, बार, पब, रिजॉर्ट और क्लब में नए साल के जश्न और पार्टियों पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया था। गुरुग्राम की हम बात करें तो गुरुग्राम में दिल्ली की तरह जश्न को लेकर कोई बैन नहीं है, लेकिन किसी भी कार्यक्रम में 200 से ज्यादा लोगों के जमा होने पर पाबंदियां लगाई गई। कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन करवाने के लिए पुलिस प्रशासन ने 3500 पुलिसकर्मियों को तैनात करने का फैसला किया था। गोवा की अगर हम बात करें, क्योंकि नए साल के मौके पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गोवा जाना पसंद करते हैं, तो गोवा में कोविड के बढ़ते मामलों के मद्देनजर पार्टी और कार्यक्रमों की अनुमति तब दी जा गई जब मेहमानों के पास या तो 100% टीकाकरण या फिर कोविड नेगेटिव सर्टिफिकेट था। तो ये हालात रहे हैं देश के। नए साल का आगाज हो चुका है, लेकिन देर रात कई राज्यों में कुछ लोगों को मायूसी हाथ लगी तो कुछ लोगों ने जमकर पार्टियां की हैं, जमकर मस्ती की है।